मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश सब बंद कर दो, फालतू का बहुत खर्चा बचेगा। फिर आप कहेंगे जी सुंदरता नहीं आएगी, सुंदरता गुण कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है, ये हमेशा याद रखो आप। और हम किसी को भी याद करते हैं ना तो गुण कर्म स्वभाव पर याद करते हैं, सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता इस देश में। हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी, या कित्तूर चन्नम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी, सुंदर थी, नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए इसलिए याद करते हैं, कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे। तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रखा है। कभी कोई आदमी मरता है ना तो ऐसे कोई याद नहीं करता, ओ मर गया, कितना गोरा था बेचारा, मर गया, कोई याद नहीं करता। हमेशा याद करते हैं, ओ कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते। गुण याद होते हैं, कर्म याद होते हैं, स्वभाव याद होता है, सुंदरता याद नहीं रहती, क्योंकि सुंदरता क्षणिक है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहती। क्यों फंस गए इसमें फिर क्रीम पाउडर लिपस्टिक? हम तो हिंदुस्तानी लोग कहते हैं आत्मा की सुंदरता की बात है, शरीर में कहां फंसे हैं। तो ये थोड़ा आप बदलने की कोशिश करो, बहुत देश का धन बचेगा। और ऐसे ही एक निवेदन और है कि कभी भी अपने घर में फेयर एंड लवली मत लाइए, क्योंकि ये फेयर एंड लवली के बारे में कहते हैं गोरेपन की क्रीम। और आप मुझे बताइए कि अगर फेयर एंड लवली लगा के सब गोरे हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। आप एक नहीं, 100 फेयर एंड लवली लगाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहने वाले, भगवान ने जैसा बनाया है हम बहुत अच्छे हैं, इस फालतू के चक्कर में मत पड़िए। क्यों? क्योंकि ये सुंदर बनने का टेंशन दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन है। और आप एक चीज और जान लीजिए, सुंदर लोगों को याद नहीं किया जाता, जो लोग देश और समाज के लिए काम करते हैं उनको याद किया जाता। और भारत में तो शरीर की सुंदरता नहीं, आत्मा की सुंदरता देखी जाती है। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, सबको जाना है, सबको बूढ़ा होना है। आज आप सुंदर हैं, कल नहीं रहने वाले हैं, शरीर के चक्कर में फंस गए तो जीवन बेकार हो जाएगा। भारत का अध्यात्म यही कहता, इसलिए आत्मा को सुंदर बनाइए, अच्छे काम करिए, आप खुद ब खुद सुंदर होते चले जाएंगे। तो सुंदर बनने के लिए कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, सुंदरता तो कर्म से आती है। इसलिए घर में ये कॉस्मेटिक्स लाना बंद करिए, हजारों करोड़ रुपया बचेगा।